नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मंगल की सतह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद नासा का मार्स मिशन 2020 रवाना। परसेवरेंस रोवर की मदद से मंगल ग्रह के नमूने को धरती पर लाने की कोशिश। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी किया डिजिटल शिक्षा पर रिपोर्ट 2020। डिजिटल शिक्षा के लिए केंद्र और राज्यों के विभिन्न पहलों पर हुई चर्चा। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 30 जुलाई को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन मार्स 2020 को फ्लोरिडा के केप कनेवरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। यह मिशन अमेरिकी समयानुसार सुबह 7:50 पर लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि नासा का यह मिशन उसके अनेक महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक है। नासा इस मिशन में परसेवरेंस रोवर को मंगल की सतह पर भेजा है, जो मंगल की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। यह मिशन मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करेगा। लंबे समय तक चलने वाले इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कार के आकार का एक रोवर बनाया गया है, जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर से युक्त है। 25 कैमरों, 2 माइक्रोफोन, ड्रिल मशीन और लेजर उपकरण से लैस यह मिशन 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा के बाद फरवरी 2021 में मंगल की सतह पर पहुंचेगा। सतह पर पहुंचकर यह यान मानव जीवन की संभावना के मद्देनजर आवश्यक प्रयोग करेगा और लौटते समय वहां की मार्टियन चट्टान का टुकड़ा भी धरती पर लाएगा। इस चट्टानी टुकड़े से वैज्ञानिकों को यह पता करने में सहायता मिलेगी कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या नहीं। आपको बता दें कि प्लूटोनियम चलित 6 पहियों वाला यह रोवर मंगल ग्रह की जमीन ड्रिलिंग का काम करेगा और ड्रिलिंग से प्राप्त कुछ टुकड़ों को इकट्ठा करेगा। गौरतलब है कि अमेरिका दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए 9वीं बार अभियान शुरू किया है। इतना ही नहीं, पूर्व में भेजे गए अमेरिका के सभी 8 अभियान सफल और सुरक्षित रहे हैं। इस मिशन की एक खास बात यह भी है कि हाल के दिनों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद अमेरिका तीसरा देश बना है जो मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया है। ये तीनों ही मिशन फरवरी में मंगल की सतह पर पहुंचेंगे। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा 2020 पर भारत रिपोर्ट जारी किया। HRD मिनिस्ट्री के डिजिटल शिक्षा प्रभाव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के परामर्श से तैयार की गई। मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर आधारित प्रज्ञता नाम से दिशा निर्देश जारी करने के साथ साथ दीक्षा मंच, स्वयं प्रभा TV चैनल, ऑन एयर शिक्षावाणी, ई पाठशाला और TV चैनलों के जरिए शिक्षकों, छात्रों और विद्वानों की सहायता के लिए कई परियोजनाओं को शुरू किया है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अलग अलग पहलों के जरिए COVID-19 महामारी के दौर में छात्रों को घर बैठे डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान की है। आइए आपको बता दें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कौन सी पहल की शुरुआत किया था। राजस्थान ने सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, जम्मू ने प्रोजेक्ट हेल क्लासेस, छत्तीसगढ़ ने पढ़ाई तुहार द्वार, बिहार ने उन्नयन पहल की शुरुआत किया तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने मिशन बुनियाद की शुरुआत की। वहीं मेघालय ने भी ई स्कॉलर और शिक्षकों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। इसके अलावा कुछ अन्य माध्यमों को भी डिजिटल शिक्षा के लिए अपनाया जा रहा है, जैसे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, गूगल मीट, गूगल क्लास और ऐसे ढेर सारे माध्यम हैं जिसके जरिए डिजिटल शिक्षा को अंजाम दिया जा रहा है। इन सब के अलावा लक्षद्वीप, नागालैंड और जम्मू कश्मीर ने ई सामग्री लोडेड टैबलेट, DVD और पेनड्राइव वितरण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट और बिजली की समस्या को देखते हुए छात्रों के आवास पर ही पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। इन सबसे अलग HRD मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल के तहत छात्रों, परिवारों के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए सहयोग कर रहा है। और अब अंत में आइए चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा।
भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन मांगा है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। इस पुरस्कार के लिए व्यक्ति और संस्थान दोनों ही पात्र होंगे। साथ ही कोई व्यक्ति या संस्थान अपने अलावा किसी दूसरे को भी नामांकित करा सकता है जिसने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो। इस पुरस्कार का उद्देश्य आपदा प्रबंधन क्षेत्र में किए गए किसी व्यक्ति या संस्था के निस्वार्थ भाव के कार्य को सराहना और एक पहचान दिलाना है। इस पुरस्कार में नामांकन आप भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.dmawards.ndma.gov.in। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर की जाती है, जिसमें संस्थान को 51 लाख रुपए और अगर विजेता कोई व्यक्ति है तो 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को यूएन महासचिव ने अपने नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। अर्चना विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें यूएन महासचिव ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह में नामित किया है। महासचिव के युवा सलाहकार समूह के सदस्य सभी क्षेत्रों के साथ ही छोटे द्वीपीय देशों से युवा लोगों की विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे जलवायु परिवर्तन पर अपना दृष्टिकोण और इसके समाधान पर कार्य करेंगे। आपको बता दें कि अर्चना वकालत और अनुसंधान में काफ़ी अनुभव रखती हैं। वह जातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक आचार व्यवहार को कलमबद्ध करने, संरक्षण देने और बढ़ावा देने के लिए कार्य करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने 30 जुलाई को मॉरिशस में मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया है। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का नया भवन 2016 में मॉरिशस को भारत सरकार द्वारा दिए गए 35 करोड़ 30 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत आने वाली 5 परियोजनाओं के तहत किया है। इससे पहले अक्टूबर 2019 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस योजना के तहत मॉरिशस मेट्रो परियोजना के पहले चरण और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन यानी ITER के नए सत्र की शुरुआत 29 जुलाई को फ्रांस में किया गया, जिसका आयोजन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। इस कार्यक्रम में विश्वभर से वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हुए। आपको बता दें कि ITER ऊर्जा की कमी से निपटने के लिए भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सहयोग से मिलकर बनाया जा रहा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित एक ऐसा विशाल रिएक्टर है जो कम ईंधन की सहायता से ही व्यापार ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जो असीमित होने के साथ साथ प्रदूषण रहित है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने अपने एशिया प्रशांत आपदा मोचन कोष से भारत को 30 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दे दी है। इससे देश कोरोना महामारी से निपटने के तात्कालिक उपायों में मदद मिलेगी। इसी वर्ष 28 अप्रैल को ADB ने भारत को कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद करने की घोषणा किया था। हाल ही में भारत की पहली नो परमिशन नो टेकऑफ यानी NPNT अनुपालिका ड्रोन की उड़ान तुमकुर कर्नाटक में संचालित हुआ। इस संदर्भ में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को उड्डयन मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में ही लॉन्च किया था। यह नागरिक उड्डयन के नियमों के उल्लंघन को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित आत्म प्रवर्तन की एक आदर्श प्रणाली है जो बिना अनुमति के उड़ान नहीं भरता। फिलहाल 8 PM के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमको ज़रूर सूचित करें। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी बेहतर तैयारी के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।